सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज हम बनाने वाले हैं राधे कृष्ण की पेंटिंग, वो भी हमारे ब्लाउज में। प्रिंसेस का ब्लाउज है जिसको मैं डिज़ाइनर कर दूंगी पेंटिंग के बाद। सबसे पहले मैंने ब्लाउज को कट किया है, इसके बाद मैं स्टिच करूंगी। फ्रेंड्स, जब तक मैं ब्लाउज को स्टिच कर रही हूं, आप क्या कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का बटन जो होगा उसको दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी वो आप लोगों तक ईजिली पहुँच जाएगा। साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी कर दीजिए। अब आप मुझे इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने प्लेन ब्लाउज सिला था जो कि प्रिंसेस कट है, मैंने स्टिच किया। ये 34 का साइज़ है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये आपको बताऊँ तो उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा, मैं आपको इसकी स्टिचिंग भी बता दूँगी कैसे करते हैं। एंड देन मैंने यहाँ पर कुछ प्रिंट किया है राधे कृष्ण का, एंड इसे मैं बनाऊँगी एकदम डिज़ाइनर। लाइक ऐसा सब ब्लाउजेस आपको मार्केट में मिल जाता है, लाइक 700-800 या कुछ तो 2000 के भी हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इसको मैंने गूगल पे सर्च किया था, ये वाली जो फोटो है ना, ये मैंने गूगल पे देखा था एंड मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ। अगर आपको भी देखना है गूगल पे तो मैं इसका लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से देखकर जाकर बना सकते हैं, अगर आपको यही वाली प्रिंट बनानी है तो। वैसे बहुत सारे ऑप्शन है, आप वो भी बना सकते हो, बट अगर आपको ये वाली बनानी है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी एंड फोटो भी दे दूंगी, आप वहाँ से जाके कॉपी करके बना सकते हैं एंड देन पेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे पेंट करती हूँ। एंड यहाँ पे मैं फैब्रिक कलर का यूज़ करने वाली हूँ, वाटर कलर का नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि पानी में जाते ही सारा कुछ फेड हो जाएगा, तो मैं फैब्रिक पेंट का यूज़ करने की कोशिश करूँगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्रिंट को एक फुट्टे के ऊपर रख ली हूँ एंड मैंने इसे स्टिक कर दिया चारों साइड से ताकि वो हिले नहीं। एंड अब हम इस पर करेंगे पेंटिंग। तो शुरुआत यहाँ पर मैं कान्हा जी के बिंदी से कर रही हूँ। बिंदी को मैंने येलो किया है, साइड में मैंने बॉर्डर का आउटलाइनिंग किया वाइट कलर का, एंड लास्टली मुझे थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था तो लास्ट में मैंने उसमें थोड़ा सा उनका जो फेस का कलर था ब्लू, उसको मैंने और एक छोटा सा बिंदु कर दिया था, मतलब तीन कलर की मैंने बिंदी कर दी थी। सो यहाँ पर बिंदी हमारी येलो वाली हो गई पार्ट, अब मैं यहाँ पर वाइट कर रही हूँ। सो यहाँ पर मेरे पास फैब्रिक पेंटिंग का जो कलर्स था वो तो काफ़ी सारे थे, 12 शेड्स मैंने रखे थे काफ़ी टाइम से, उसमें से जो तीन शेड मेन थे वो तीन शेड काम ही नहीं कर रहे थे, लाइक जो रेड कलर का था, ब्लू कलर का था एंड जो ग्रीन कलर का था। सो मैंने क्या आइडिया किया, जो आप देख रहे हो ये जो मैंने फेस पे कलर कर रही हूँ ऊपर वाला बिंदी के बगल वाला, इस कलर के अंदर मैंने नॉर्मल जो पोस्टर कलर होता है ना वो थोड़ा सा ब्लू मिक्स करके मैंने ब्लू शेड बनाया था। तो ऐसे ही मैंने सारे कलर्स को मिक्स एंड मैच किया था। अब ये देख सकते हो ब्लू कलर, ये शेड मेरे पास थी ही नहीं, जो ये शेड थी वो पूरा सूख गई थी, मतलब कि वो कलर काम ही नहीं कर रहा था। मैंने बहुत कोशिश किया, उसको पानी डाल के देखा, मतलब मैंने दो चार चीज़ें की कोशिश की बट वो कलर काम नहीं कर रहा था। तो मैंने फेस के जो ऊपर वाला कलर है उसमें हल्का सा पोस्टर कलर मिक्स करके मैंने ये कलर बनाया। एंड पहले मैंने चेक किया दूसरे फैब्रिक पे करके सुखा के कि ये फेड तो नहीं हो रहा था, एंड वो 100% वर्क किया गाइस। तो मैंने फिर यही कलर यूज़ किया, क्योंकि ये जो ऊपर का जो कलर है ना, ये ऐसा फैब्रिक कलर है ना कि ये पूरा स्टिक हो जाता है, एंड इतना शाइन कर रहा था, ये शाइन वाला फैब्रिक कलर है। लास्ट के जो दो कलर्स मेरे पास थे, जो रेड कलर का मैंने किया वो थोड़ा सा शाइनी नहीं था, जो मैंने राधा जी पर किया था वो शाइनी कलर नहीं था। फ्रेंड्स, कान्हा जी को कंप्लीट करने के बाद बारी आती है राधा जी की। तो राधा जी के फेस का कलर मेरे पास था नहीं, तो मैंने कान्हा जी के रंग में राधा जी को रंग दिया, मतलब कान्हा जी का कलर ही राधा जी को भी कर दिया। फ्रेंड्स, होप करती हूँ मेरा आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे बाकी सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर लीजिए ऐसे ही नए अपडेट के लिए।